मैं महाराष्ट्र के हिंगोली क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण राज्य भर किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मेरे क्षेत्र में 6 किसानों ने अभी तक आत्महत्या की है। महाराष्ट्र के लगभग 30 जिलों में फसल का भारी नुकसान हुआ है और 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। फसलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण बेमौसम बरसात के चलते 325 तहसीलों में 54,22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का जो नुकसान हुआ है, इसमें मराठवाड़ा, विदर्भ, कोकण, महाराष्ट्र के मध्य भागों में फसलों को क्षति पहुंची है, जिसमें सोयाबीन, ज्वार, कपास, धान, बाजरा, बागाई की फसलें, केला, अंगूर, संतरा ज्यादा प्रभावित है। इस प्राकृतिक कारण से मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों की फसल नष्ट होने के कारण जो नुकसान हुआ है, मेरा केंद्र सरकार के प्रति निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के पीड़ित किसानों के इस संकट से उभरने के लिए आपके माध्यम से किसानों को जल्दी से जल्दी बीमा राशि का भुगतान हो और जो किसानों ने बीमा नहीं भरा है वो किसानों को भी NDRF के मार्फत तुरंत उनको मुआवजा मिले। बीमा कंपनियां उनकी जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन प्रक्रिया है और किसानों को बार बार पेपर मांग रही है, तो आपको विनंती है कि ये बीमा कंपनियों ने हमारे हर तहसील से हजारों करोड़ों रुपए लिए हैं, लेकिन उनका ना ही तो कार्यालय है, ना ही वहाँ उनके कर्मचारी है, दो कर्मचारी उन्होंने वहाँ पे, इनकी चौकशी की जाए और हेक्टरी 25,000 रुपए हर किसान को दिए जाए, ये हमारी मांग है।